हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे जीडीपी, उसके साथ रिलेटेड टर्म्स, ठीक है, एंड जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इकोनॉमी में आप एक बात याद रखो, आपको साथ साथ रिविजन करते रहना होगा, क्योंकि काफी इसमें कॉन्सेप्ट जो है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है ये। इकोनॉमी की बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ, समझने में वो उनको समझ तो आ जाती है, पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते इकोनॉमी के, ठीक है। मेजोरिटी स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम फेस होती है। एंड इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, रेगुलरली रिवाइज करते हुए। एंड जैसे इसके मैं अभी पटवारी की टेस्ट सीरीज लाऊंगी, उसमें इकोनॉमी के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड जहां भी आपको ऑनलाइन एमसीक्यूज मिलेंगे इकोनॉमी के, साथ साथ सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। तो जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं कोर्सेज लेके आ रही हूँ आपके JKSSB एंड JKPSC एग्जाम के। JKSSB में अभी सुपरवाइजर जो एग्जाम रिसेंटली हुआ, तो वो हमारा सक्सेसफुल रहा काफी, क्योंकि स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे वीडियोस रिलीजियसली एंड मेरी जो कंपाइल्ड PDF है, टेस्ट सीरीज है, वो फॉलो करी थी, उनके काफी अच्छे स्कोर आ रहे हैं सुपरवाइजर एग्जाम में। प्लस जैसे पटवारी का एग्जाम हो गया, या नायब तहसीलदार है, या आने वाले टाइम में अभी सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का सिलेबस भी आने वाला है, तो JKSSB के आप जो भी एग्जाम देखेंगे उसके लिए आपके चैनल जो है काफी हेल्प करेगी। एंड JKPSC का जैसे KS एग्जाम हुआ, प्लस सोशोलॉजी ऑप्शनल, KS का एंड UPSC का दोनों में कवर करवा रही हूँ। सोशोलॉजी का आप सेपरेट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी, पेपर ए कंप्लीट हो गया है एंड पेपर बी भी ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, ठीक है। ये पेपर ए पेपर बी दोनों की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी चैनल पे, एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट जो है आपको कहाँ मिलेगा, मेरी चैनल पे मिलेगा। आपको ये कंटेंट को यूज करने के लिए क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट से बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी यहाँ से क्लियर हो गया था, मैंने बताया था आपको इकोनॉमी होता क्या है, कैसे हम जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम कैसे एलोकेट करते हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होती है प्रॉपरली, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, दैट इज नथिंग बट योर इकोनॉमी। जैसे आपके पास लैंड है, वाटर है, टाइम है, फाइन, एक फार्मर के पास अगर लैंड, वाटर, टाइम है, वो कैसे इसको यूटिलाइज करके अपने कोई फार्मिंग स्टार्ट कर सकता है, क्रॉप्स ग्रो कर सकता है, फ्रूट्स ग्रो कर सकता है, ठीक है। वो सारा क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ये आपको बताता है इकोनॉमिक्स कैसे चलती है एक सोसाइटी की। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस, ये सारी चीजें हो गई। फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, ये वो है जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जहाँ मैक्सिमम होती है, एंड मार्केट इकोनॉमी में चीज प्राइसेस वगैरह कैसे डिटरमिन होते हैं, वो गवर्नमेंट डिटरमिन नहीं करती है, वो डिटरमिन होते हैं लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड से, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। फिर माइक्रो 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 मैंने आपको कहा था इंडिविजुअल लेवल पे है, जैसे आपकी अपनी कॉफी शॉप होगी तो वो आपकी मर्जी है, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप क्या प्राइसिंग रखेंगे, क्या टाइप्स ऑफ कॉफीज वहां बनाएंगे। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गए, जहां पे हम बड़ी बातें करते हैं, टोटल आउटपुट, दैट मीन्स टोटल GDP, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कंट्री की, एग्रीगेट प्राइस लेवल, दैट मीन्स आपका इन्फ्लेशन वगैरह क्या चल रहा है कंट्री का, वो सारी चीजें किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एंड हमें पढ़ना क्या है, हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना होता है एग्जाम के लिए। तो ये सारे एरियाज हैं जिनको हम टच करने वाले हैं इकोनॉमी में, प्लस इसमें कुछ एडिशन भी होंगे जो खासकर आपके JKPSC एंड UPSC एग्जाम्स के लिए हैं, वो एडिशनल टॉपिक्स बाद में मैं आपको अलग से करवाऊंगी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, अब हम मैंने आपको क्या कहा, हमें GDP वगैरह पढ़ना है, तो वहां जंप होने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए बेसिक, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ गुड्स, मैंने आपको बोला गुड्स, ठीक है। गुड्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में बनते हैं, वो दो तरीकों के हो सकते हैं, एक है आपका कंजम्पशन गुड एंड एक है आपका कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड कौन सा होता है, जो फाइनली एक कस्टमर की कंजम्पशन के लिए बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े लाते हो, फाइन, आपने कपड़े लाए, वो एक कंजम्पशन गुड है, उसका आगे आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं की, वो आपने अपने यूजेज के लिए लाए हैं, उनको कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं, ठीक है। आप खाने पीने की चीजें लाते हो, वो आपने अपने लिए लाए हैं, ठीक है, दैट इज क्या, दैट इज योर कंजम्पशन गुड। कैपिटल गुड होता है, एक ड्यूरेबल कैरेक्टर का है ये, एंड सेकेंडली याद रखो, दैट इज यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आइसक्रीम बनाने की मशीन लाई है, तो वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती है, उससे आप आइसक्रीम बनाते हो, दैट इज योर कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड है जैसे आपके फूड एंड क्लोदिंग एंड सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन पर्पज के लिए, जो आप क्या करते हो, अपने कंजम्पशन के लिए लेके आते हो, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे टीवी है,
या आपका लैपटॉप है, ये भी कंजम्पशन गुड है, लेकिन ये काफी सालों तक चलता है, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो इनको हम कंजम्पशन ड्यूरेबल्स बोलते हैं, जो ड्यूरेबल होते हैं लेकिन टाइप ऑफ कंजम्पशन गुड ही है, क्योंकि इससे जैसे आपके पास टीवी है वो कंजम्पशन ड्यूरेबल गुड है, ठीक है, ड्यूरेबल है क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, वो काफी टाइम तक चलेगा, कंजम्पशन है क्योंकि उसको बाद में आप कुछ और उससे नहीं बना सकते हो ना, जैसे हम कैपिटल गुड से बनाते हैं, जैसे आइसक्रीम मशीन है वो लेके आओगे उससे आप आइसक्रीम बनाओगे, ठीक है, लेकिन ये याद रखना जो कैपिटल गुड्स हैं दे देमसेल्फ डोंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, वो ये क्या होता है ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगी, पहले डेफिनेशन देख लो, कैपिटल गुड्स जो है दे आर द अदर गुड्स दैट आर ऑफ ड्यूरेबल कैरेक्टर विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दीज आर द टूल्स इंप्लीमेंट्स एंड मशीन, जैसे मैंने कहा आइसक्रीम मशीन की एग्जांपल, आइसक्रीम मशीन जो है वो आपकी अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं है, उसको आप यूज करते हो प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्दर कोई चीजें बनाने के लिए, यहाँ पे लाइन देख लेना, दे देमसेल्व्स डोंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, वो क्या होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं जो आपको यूज आते हैं दूसरी चीज बनाने के लिए, लेकिन उनका अपना फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, वो फाइनल कंजम्पशन नहीं बनते हैं, वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी होते हैं जो आपको एक फाइनल गुड बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टील शीट्स ले लो, ये जो स्टील शीट्स हैं ये यूज कर सकते हो आप ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों में ये यूज होते हैं, ठीक है, या कॉपर हमारे पास होगा, कॉपर से हम फर्दर क्या बना सकते हैं यूटेंसिल्स बना सकते हैं, तो ये क्या ये कैपिटल गुड होगा, नहीं ये इंटरमीडिएट गुड होगा क्योंकि इससे हम एक दूसरा गुड बना रहे हैं, अब वापस यहाँ पे आओ, मैंने कहा था दे देमसेल्व्स डोंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर आपके पास कॉपर है जिससे आपको यूटेंसिल बनाने हैं, कॉपर यूटेंसिल्स बनाने हैं, वो कॉपर इस प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, वो सिंपल एक कॉपर शीट या कॉपर स्लैब नहीं है आपके पास, उस कॉपर का आपने एक समोवार बनाया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब वो कॉपर क्या है वो इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि वो खुद ट्रांसफॉर्म हो गया है इस प्रोडक्शन प्रोसेस में, वेयर एज कैपिटल गुड कौन सा होगा यहाँ पे जो फाइनल आप समवार बनाओगे वो एक कैपिटल गुड होगा क्योंकि फर्दर आप उसको किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ, कंजम्पशन गुड कैपिटल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन जो आपने अपनी कंजम्पशन के लिए बनाए हैं, ठीक है, जैसे आपकी फूड क्लोथिंग या टीवी लैपटॉप वगैरह ये कंजम्पशन ड्यूरेबल इनको बोलते हैं, कैपिटल गुड होते हैं जो ड्यूरेबल कैरेक्टर के होते हैं एंड उनको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, फॉर एग्जाम्पल आपने एक आइसक्रीम वेंडिंग मशीन लाई है जिससे आप आइसक्रीम बनाते हैं तो वो एक कैपिटल गुड होगा, ठीक, एंड जो आइसक्रीम मशीन है वो फर्दर उसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, वो एक फाइनल प्रोडक्ट है आपके सामने, और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं जो यूज होते हैं हमें दूसरी चीजें बनाने के लिए लेकिन वो खुद इन द प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टील शीट है या हमारे पास कॉपर है, कॉपर से हमें एक कॉपर यूटेंसिल बनाना है तो वो जो कॉपर स्लैब हमारे पास होगा या कॉपर कॉयल्स होंगी हमारे पास, कॉपर शीट्स होंगे, वो क्या होंगे वो इंटरमीडिएट गुड होंगे क्योंकि उनका फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इस प्रोडक्शन प्रोसेस में और हमारे पास एक नया प्रोडक्ट होगा, ठीक है, अब आगे देखते हैं, द टर्म ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ न्यू कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, ठीक है, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या होगी जब हम बोलते हैं जितने सारे कैपिटल गुड्स हैं हमने प्रोड्यूस किए हैं एक साल में वो हमारी इन्वेस्टमेंट है उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में, दैट इज अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अब ग्रॉस से हमें ट्रांसफॉर्म करना है नेट में, ठीक है, अब वो देखो कैसे होगा, बट टू गेट अ मोर एक्यूरेट पिक्चर वी नीड टू अकाउंट फॉर द वेयर एंड टेयर और द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड कैपिटल गुड्स, अब जो हमारे पास गुड्स हमने बनाए कैपिटल गुड्स, ठीक है, वो हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी टोटल जितने हमने बनाए, लेकिन वो जो कैपिटल गुड्स है उनकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी, अगर आप कोई एक कार खरीद रहे हैं उस कार में बाद में आपको और पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बीच में उसको ठीक करने के लिए, बीच में कुछ खराबी हो जाएगी कार की, ठीक है, उसकी सर्विसिंग करने के लिए, एंड वेयर एंड टेयर हो जाता है इन चीजों का, वैल्यू इनकी डिक्रीज हो जाती है, ये उतनी अच्छी रहती नहीं जितनी पहले लाई होती है, जितनी अच्छी तब होती है, ठीक है, तो ये जो ग्रॉस है इसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वो हमारा बनेगा नेट, वो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखी हुई है उस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, अब देखो जो मेरा सोर्स है आपके इकोनॉमी के ये नोट्स वगैरह बनाने का, एक तो एनसीईआरटी है, आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एनसीईआरटी जो है 12th की वो अपलोड कर दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस इंटरनेट से कुछ कोई वेबसाइट्स हैं इकोनॉमी स्पेसिफिक की, एंड प्लस मृणाल सर जो है इकोनॉमी के टीचर उनके जो नोट्स हैं उनसे कुछ क्लब करके मैंने अपने नोट्स ये
फॉर्मेट में बनाए, ठीक है। तो ये चार पांच चीजों का मिक्सचर है, क्योंकि आप लोग बाद में सोर्स पूछते रहते हो, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, इमेजिन अ कंपनी बाइज 10 ट्रक्स फॉर $100,000, दैट इज $1 लाख या ₹1 लाख ईच, ठीक है। एक कंपनी ने 10 ट्रक्स खरीदी हैं ₹1 लाख की, तो वो जो 10 ट्रक्स खरीदी हैं ₹1 लाख ईच, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 10 लाख, 10 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई। अब उसी साल में क्या हुआ, उसमें से 10 में से 3 ट्रक्स जो हैं उनकी वैल्यू कम हो गई, इंजन सही से काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो 3 ओल्ड ट्रक्स ब्रेक डाउन एंड दे कॉस्ट ₹1 लाख ईच टू रिप्लेस। एंड अब उन 3 ट्रक्स जो खत्म हो गई, जो खराब हो गई, उनको रिप्लेस करने के लिए 1 लाख ईच, दैट मीन्स 3 लाख टोटल इन्वेस्ट करना पड़ा फिर से। तो वो इन्वेस्ट किस वजह से करना पड़ा, क्योंकि कोई पुरानी चीज खराब हुई थी, वो कोई नई चीज नहीं खरीदी थी, ठीक है। तो वो किस में जाएगा, वो डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी, वो कितनी है यहाँ पे, 3 लाख। तो हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखी, यहाँ पे 10 लाख थी, डेप्रिसिएशन वैल्यू हमारी आ गई 3 लाख, तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 लाख, ठीक है। तो जहां पे भी आप ग्रॉस और नेट देखो ना, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है। जब हमें ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना होता है, तो डेप्रिसिएशन वैल्यू को माइनस करना होता है, क्योंकि जो भी कैपिटल गुड आप लाओगे उसकी वैल्यू जो है हर साल डेप्रिशिएट होती रहेगी, वैल्यू कम होती रहेगी, ठीक है। तो वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपको ग्रॉस में से निकालना होता है। तो ये आपको काम आएगा जब जीडीपी आप समझोगे, हम जीडीपी वैल्यू जब देखेंगे, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर वहां से हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना होगा। तो वो ग्रॉस को आप नेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ग्रॉस को आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट, ठीक है। अब और एक चीज यहाँ पे याद रख लो, हो सकता है एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए। मैंने आपको बोला ग्रॉस होता है नेट होता है इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये क्लियर हो गया कैसे डेप्रिसिएशन होता है। अब मैथमेटिकली अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें या इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करें, तो क्या हम लिख सकते हैं नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ग्रॉस, क्या ये सही होगी? मैथमेटिकली इट माइट बी करेक्ट, लेकिन इकोनॉमिकली ये सही नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि डेप्रिसिएशन को हम ऐड नहीं कर सकते नेट को हमें ग्रॉस बताने के लिए, ठीक है। हमें ग्रॉस में से हमेशा डेप्रिसिएशन को निकालना होगा, फिर हमें बोलना होगा नेट कितना है, फाइन। लेकिन हम इसका उल्टा नहीं कर सकते ना, हम डेप्रिसिएशन को कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो वैल्यू क्या कर रही है, वो चीजों की वैल्यू कम कर रही है। जब आपने कोई चीज खरीदी, उसके बाद उसकी वैल्यू कम 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 होती गई, फाइन। अब आप किसी चीज के खरीदने से पहले ही कैसे बता सकते हो कि आप क्या करोगे, जितना वो कम हो जाएगा उसको पहले ही ऐड कर लोगे, तो ये गलत है। नेट में हम कोई डेप्रिसिएशन ऐड नहीं कर सकते हैं ग्रॉस निकालने के लिए, ठीक है। तो ये इसका जो रिवर्सल है वो मैथमेटिकली माइट बी करेक्ट, इकोनॉमिकली करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ग्रॉस में आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, फिर ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, वहां से हमारा क्या निकलता है, वहां से हमारा नेट निकलता है। ये यहीं पे यही एग्जाम्पल लिखी हुई है। अब ये देखो, डेप्रिसिएशन इज देयरफॉर एन एनुअल अलाउंस फॉर वेयर एंड टेयर ऑफ द कैपिटल गुड, फाइन। अब देखो यहाँ पे एनुअल क्यों लिखा है, यहाँ पे एक चीज याद रख लेना, अगर आप कोई चीज लेते हो, आप कोई कार लेते हो, फिर आप 10 साल तक वो यूज करते हो, एंड 10 साल के बाद उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो होगी वो बहुत बड़ी होगी, कि कितनी उसकी वैल्यू में कमी आ गई, तो हम वो नहीं करते हैं। हम हर साल डेप्रिसिएशन कुछ कुछ अमाउंट ऐड करते रहते हैं, हम ये वेट नहीं करते कि गुड्स जो है अपनी पूरी लाइफ जिएंगे एंड जब वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे फिर हम डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, किसी एक साल काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट हमें सबट्रैक्ट करना होगा। इसीलिए डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या ली जाती है, वो एनुअली थोड़ी थोड़ी अमाउंट लेते हैं, तो बजाय इसके कि एक कार की हम 10 साल के बाद डेप्रिसिएशन वैल्यू ले लें जो हो सकता है 50 लाख की हो, हम क्या करेंगे, हम एवरी ईयर उसमें से डेप्रिसिएशन जो है थोड़ी थोड़ी डिडक्ट करते रहेंगे अपने जीडीपी में, वो चीजें कैलकुलेट करने के लिए एवरी ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो डिडक्ट होती रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अब देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इससे पहले हम ये देखते हैं, ये फ्लो ऑफ इनकम से पहले हमारे पास एक टर्म है, ये आपने टर्म कहीं देखोगे आप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, ये रिसोर्सेज होते हैं टू क्रिएट
गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दे आर द रिसोर्सेज टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज. अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई फैक्ट्री इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई बटन्स की फैक्ट्री लेट से, ठीक है, तो उस फैक्ट्री इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, आपको लैंड चाहिए, ठीक है, बाद में आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको लेबर चाहिए, ठीक है, एंड आपको उसमें कैपिटल चाहिए, जैसे मशीन्स वगैरह, टूल्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें, एंड खुद आप एंटरप्रेन्योर जो ये सारा आइडिया डिजाइन कर सके, जो इस बिजनेस में रिस्क ले सके. तो ये सारे रिसोर्सेज आपको यूटिलाइज होते हैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज क्रिएट करने के लिए. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इकोनॉमी में इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चार कैटेगरीज में डिवाइड किए. जैसे मैंने कहा आपको बटन्स की फैक्ट्री, इकोनॉमी या कोई भी चीज समझने का, इकोनॉमी या कोई भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में अगर आपको प्रॉब्लम आती है कंसेप्चुअली समझने में, तो इट्स बेस्ट कि दिमाग में कोई एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एंड उस एग्जाम्पल को लेके आप उस कॉन्सेप्ट को समझो. तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा आप कोई बटन्स की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उसके लिए आपको लैंड चाहिए, ठीक है, एंड लेबर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स वगैरह, एंड आपको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, दैट मीन्स आप खुद एंटरप्रेन्योर जो ये सारी चीजें मैनेज कर सके एंड इसको कैसे ग्रो करना है वो रिस्क वगैरह ले सके. तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज टू क्रिएट गुड एंड सर्विसेज, इनको चार में हमने डिवाइड किया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अब देखो जहां पे ये रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करने के लिए, बाद में उन रिसोर्सेज से आपको कोई चीज भी मिलनी चाहिए, आपको कोई पेमेंट भी मिलनी चाहिए. अगर आप अपनी लैंड दे रहे हो किसी को वहां पे फैक्ट्री इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको वहां से क्या फायदा होगा, वहां से आपको उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आपको पेमेंट मिलेगी, उसको फैक्टर पेमेंट भी कहीं पे लिखा होता है. वो पेमेंट क्या है, रेंट. आपने लैंड कहीं दे दी, आपको उसके बदले रेंट मिलेगा, ठीक है. आपने लेबर कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको पेमेंट क्या मिलेंगी, वेजेस. अब ये जो कैपिटल है आप किसी को अगर देते हो, ये मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह, तो आपको पेमेंट किस फॉर्म में मिलेगी, आपको इंटरेस्ट, आप किसी इंटरेस्ट के बेसिस पे उनको ये सारी चीजें दोगे. एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अगेन एंटरप्रेन्योर जो मैनेज करेगा बिजनेस को एंड रिस्क वगैरह लेगा, उसको पेमेंट किस हिसाब में मिलेगी, प्रॉफिट के फॉर्म में, ठीक है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखी है, आप उसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि वही चीजें जो मैं आपको समझा रही हूँ. तो बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ, होता क्या है, इट इज नथिंग बट द रिसोर्सेज जो आपको यूज होते हैं टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज. वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, दैट इज योर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है. दैट मीन्स इन चार रिसोर्सेज को यूज करके आप गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करते हैं. अब अगर आपके पास लैंड है तो उसमें आपको पेमेंट क्या मिलेगी, रेंट. लेबर को क्या दोगे, वेज. कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट. एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट. तो ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करोगे. ये बाद में पेमेंट्स होगी जो ये गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आपको मिलेंगी, ठीक है. एक्चुअली हमें पढ़ना क्या था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके लिए पहले आपका वो जानना जरूरी था. अभी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये क्या बोलता है, ये बोलता है हाउ मनी मूव्स इन इकोनॉमी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है. हमने फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे सिर्फ दो ग्रुप्स लिए हैं, एक ही कंपनी वगैरह हो गई एंड एक आपका हाउस होल्ड हो गया, ठीक है. इसमें हमने गवर्नमेंट ऐड नहीं किया, इसमें हमने सेविंग्स ऐड नहीं किया है, इसमें टैक्सेशन वगैरह ऐड नहीं हुई है, इसमें जो शेयर मार्केट है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, वो सारी चीजें भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है. हम इसमें सिर्फ एक सिंपल मॉडल समझेंगे, एक सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है. तो जो हाउस होल्ड है वो आपको प्रोवाइड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो हाउस होल्ड बेसिकली है क्या, इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, इकोनॉमी में एक ग्रुप ऑफ पीपल. तो उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, वो आपको लैंड देंगे, ठीक है. आपको लेबर भी उसी ग्रुप ऑफ पीपल से मिलेगा, आपको कैपिटल उन ग्रुप ऑफ पीपल से जनरेट होगा, एंड एंटरप्रेन्योर भी आपको उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल से मिलेंगे. That is your resources to create goods and services. वो resources कहाँ से आएंगे, हाउस होल्ड से, ठीक है. तो वो सारे resources use कौन करेगा, आपकी companies. आपकी company आपका land use करेगी और वहां पे अपना कोई factory, कोई plant install करेगी, ठीक है. ये company आपसे capital लेगी और वो capital in the form of machines, buildings वगैरह ये सारी चीजें लेगी. Labor आप जो है आपको job देगी ये सारी companies, and entrepreneur
जो ये सारी कंपनीज बनाएगा, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर कहाँ से आता है, वो हाउस होल्ड से आएगा, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर भी किस में होंगे, आपके ग्रुप ऑफ पीपल में इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आप फर्म को दे रहे हो जो हाउस होल्ड से आ रहा है, इसके बदले आप वापस भी कुछ दोगे, उनको हम फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। वो क्या वापस दोगे, लैंड को क्या मिलेगा रेंट, लेबर को क्या मिलेगा वेज, कैपिटल की जगह क्या मिलेगा इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। एक बारी मैं ये रेज कर देती हूँ। तो हाउस होल्ड क्या देगा आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो किसको देगा, फर्म को, फर्म यूज करेगी उसको गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में, एंड वो गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास देगी, हाउस होल्ड के पास, क्योंकि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट बेचेगी कहाँ, वो हाउस होल्ड को ही बेचेगी, एंड वहां से आपको, फर्म से आपको क्या मिलेगा, आपको वेजेस मिलेंगी, आपको रेंट मिलेगा, प्रॉफिट आएगा, एंड इंटरेस्ट भी पे करोगे आप हाउस होल्ड को, ठीक है, जहां से आपको कैपिटल आया है। ये फैक्टर सर्विस इज नथिंग बट योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो हाउस होल्ड है इसको गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए कहाँ जाना होगा, फर्म्स के पास, दैट मीन्स स्पेंडिंग ये कहाँ करेगा, फर्म्स के पास करेगा, और फर्म क्या करेगा, पे करेगा इसको इन द फॉर्म ऑफ रेंट और वेज एंड ऑल जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये एक सिंपल मॉडल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। अब हम थोड़ा इसको अगर कॉम्प्लिकेट करेंगे, इस तरह डिटेल में नहीं देखना, बस यहाँ पे आप ये चीजें देख लो, हाउस होल्ड है और बिजनेस फर्म है, हमने अभी तक सिर्फ टू सेक्टर मॉडल डिस्कस किया था। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ गई, आपको टैक्सेस पे करने होंगे, ठीक है, फिर बाद में टैक्सेस के भी टाइप्स है, गवर्नमेंट से वेजेस एंड सैलरीज जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको मिलती है, जो बिजनेस फर्म्स हैं उनको भी टैक्स पे करना होता है, ठीक है, एंड जो फाइनेंशियल मार्केट है वो भी इसमें इंक्लूड हो गया, जिसमें सेविंग्स भी आ गई, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, फाइन, एंड फॉरेन कंट्रीज जो आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आते हैं वो भी चीजें आ गई। तो जितना हम चाहें, मीन जितना हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है, जहां जहां से आ रहा है और जहां जहां वो यूटिलाइज हो रहा है, वो सारी चीजें ऐड करके हम इस मॉडल को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, पर बेसिक समझने के लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की पैसा आता कैसे है वो एक टू सेक्टर मॉडल से आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हाउस होल्ड से आया, वो यूटिलाइज किया फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, क्रिएट करने में, फिर फर्म क्या करेगा, आपको पेमेंट करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की जगह पेमेंट करेगा आपको, ठीक है। अब आपके पास जो इनकम आई, वो इनकम आप किस पे खर्च कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, वो अगेन वो पैसा किसके पास जाएगा, फर्म्स के पास वापस जाएगा। तो ऐसे ही मनी फ्लो होता है हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से हाउस होल्ड में, ठीक है, दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आगे चलते हैं, और दो चीजें समझ लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मार्केट प्राइस क्या होता है एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। मार्केट प्राइस होता है आपको जिस प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड सब्सिडीज एंड ऑल, ठीक है, दैट मीन्स टैक्सेस को हमने इसमें ऐड किया हुआ है एंड सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, क्योंकि सब्सिडीज आपकी खुद की नहीं होती है, वो गवर्नमेंट से प्रोवाइड होती है आपको, तो वो हमें फाइनल कैलकुलेशन में सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, फाइन। तो वो आपका मार्केट प्राइस हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेड लेने जाते हो, ब्रेड आपको $3 की मिलती है, उस $3 में कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्रेड भी होता है, प्रॉफिट मार्जिन जो है बेकरी का वो भी होता है, प्लस जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए होते हैं वो भी होते हैं, तो दैट इज मार्केट प्राइस। जब हम टैक्सेस और सब्सिडीज को इंक्लूड नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग दी टैक्सेज एंड सब्सिडीज, दैट मीन्स टैक्स एंड सब्सिडीज इसमें हमने अभी तक ऐड नहीं करे हैं, ठीक। फिर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, फॉर एग्जाम्पल इसी ब्रेड को हम ब्रेक डाउन करते हैं फैक्टर कॉस्ट समझने के लिए। वेजेस जो है वर्कर्स हु मेक द ब्रेड वो भी पे हो गई है, रेंट जो है बेकरी स्पेस का वो भी पे हो गया है, इंटरेस्ट ऑन एनी लोन्स टू बाय द इक्विपमेंट वो भी पे कर रहे हैं, प्रॉफिट जो है हु ओन्स द बेकरी उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखा है, एंड ये सारा मिला के कॉस्ट बनता है 2.50, ठीक है। तो 2.50 जो है ये फैक्टर कॉस्ट है ब्रेड का। जब हम इसमें 0.50 कैलकुलेट करेंगे जो टैक्सेस होंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, $3.0। तो जो 3.0 है वो आपका क्या है, वो मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट हो, आप समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये यूज करते हैं हम जीडीपी के कैलकुलेशंस में, नेशनल इनकम देखने के लिए क्या है, ठीक है। तो ये आप आगे समझोगे यूटिलाइज कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। एंड रिलेशनशिप ये आप देख सकते हो, मार्केट प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट, उसको प्लस करो टैक्सेस एंड माइनस करो सब्सिडीज, ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस में हम टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं,
ठीक है, तो जब फैक्टर कॉस्ट को सब्सिडीज माइनस करेंगे एंड टैक्सेस प्लस करेंगे, वो बनेगा आपका मार्केट प्राइस। वही ब्रेड वाली एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से देखिए, आप समझ सकते हो मार्केट प्राइस 2.50 प्लस 50 इक्वल्स टू 3, ये आपका क्या था, फैक्टर कॉस्ट था। ठीक है, अब अगर इसमें सब्सिडी भी दी थी आपको, जो ब्रेड बनाने में गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी हुई थी उन चीजों पे 0.20 की, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, 2.50 प्लस आपका टैक्सेस माइनस 0.20, तो मार्केट प्राइस होगा 2.80। ठीक है, तो सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मेन मेन जो चीजें यहाँ पे आ गई, हमें क्या समझना है अब इसमें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम क्या है, डिटरमिन करने के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो पहला है उसका जीडीपी। जीडीपी होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड, यहाँ पे फाइनल आएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर। ठीक है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, उन सब की मॉनेटरी वैल्यू जो है, दैट इज जीडीपी। अब ये जीडीपी है डोमेस्टिक, मतलब विद इन द टेरिटरी, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक, हमारी टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मिली हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, जो सर्विसेज मिली हैं, वो सारी हमारी जीडीपी में इंक्लूड होती हैं। दैट मीन्स अगर कोई फॉरेन नेशनल यहाँ आके कोई काम करता है एंड उसको सैलरी मिलती है, वो अपनी सर्विस दे रहा है, तो जो उसके पैसे हैं वो भी इंक्लूड होंगे हमारे इनकम में, हमारे जीडीपी में, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो वो आ गया आपका जीडीपी। तो डोमेस्टिक याद रखना विद इन द टेरिटरी। जब हम इसमें से फॉरेन नेशनल्स का एक्सक्लूड करते हैं और वो सारी चीजें आ जाती हैं, फिर ये बन जाता है नेशनल। अब आगे देखते हैं जीएनपी, आपको देखेंगे बताऊंगी मैं क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, डोमेस्टिक हुआ विद इन द टेरिटरी, जो प्रोड्यूस हुआ, जो प्रोडक्ट बनाया, चाहे वो फॉरेनर ने बनाया, चाहे वो सर्विस फॉरेनर ने दी, उसकी इनकम जो है वो सारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, द मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग यू प्रोड्यूस विद इन योर कंट्री प्लस योर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब नेशनल आ गया। ठीक है, नेशनल आप ऐसे भी याद रख लो, अगर कोई इंडियन नेशनल अमेरिका में काम कर रहा है तो वो हमारी टेरिटरी में नहीं है, मतलब वो डोमेस्टिक काम नहीं कर रहा है, डोमेस्टिक जगह पे नहीं है, हमारे इंडिया की टेरिटरी में नहीं है। लेकिन अगर वो अमेरिका में काम कर रहा है, वहां पे भी वो एज एन इंडियन नेशनल, उसको बोल सकते हैं कि वो इंडियन नेशनल है। ठीक है, तो जो फॉरेन की चीजें, फॉरेन से पैसा आना जाना, ये किस में आता है, ये नेशनल में आता है, जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन डोमेस्टिक में कौन सा आता है, जो सिर्फ विद इन द टेरिटरी हुआ हो। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन इज मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस विद इन इंडिया, मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस विद इन इंडिया प्लस जो इनकम आती है फ्रॉम द आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल, किसी के फादर यूएई में काम कर रहे हैं तो वो घर कुछ पैसे भेजेंगे, उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। जबकि इनकम होती है फ्रॉम द आउटसाइड, उसको प्लस करो, माइनस आपके घर में कोई काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, या आपकी कंपनी में कोई फॉरेनर काम कर रहा है, वो अपनी सैलरी जो है अपने होम टाउन में भेज देता है, दूसरी कंट्री में भेजता है। ठीक है, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि वो पैसा आपकी कंट्री से बाहर जा रहा है, तो माइनस करेंगे आउट गोइंग मनी टू अब्रॉड, माइनस आउट गोइंग मनी। ठीक है, तो ये हुआ आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। तो जब हमने जीडीपी बोला तो सिर्फ हमने क्या बोला, डोमेस्टिक विद इन द टेरिटरी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट इज योर जीडीपी। ठीक है, तो हमने जब जीएनपी बोला तो हमने इसमें जो बाहर से पैसा इंडिया में आया वो ऐड किया, जो इंडिया से पैसा बाहर गया उसको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस मनी कमिंग फ्रॉम अब्रॉड माइनस मनी गोइंग टू अब्रॉड। तो प्लस एंड माइनस, ये चीज यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, तो जीडीपी एंड जीएनपी। अब देखो यहाँ पे और एक चीज है, इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट। दैट मीन्स अगर आपके पास ब्रेड आई है तो वो एक फाइनल प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए जो मिल्क लगा है, जो शुगर लगा है, ठीक है, जो वीट लगा है, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्योंकि जो हम ब्रेड का प्राइस दे रहे हैं, जो ब्रेड के पैसे आप ले रहे हो, उसमें मिल्क शुगर वीट वगैरह जो भी इंक्लूडेड है वो एम्बेडेड होगा ब्रेड की प्राइस में। ठीक है ना, ब्रेड महंगी क्यों होगी कोई एक पर्टिकुलर ब्रेड, क्योंकि उसमें इतना मिल्क लगा है, इतना शुगर लगा है। ठीक है, दैट मीन जो इंग्रेडिएंट्स है वो एम्बेडेड है ब्रेड के प्राइस में। तो आप क्या करोगे, डबल काउंटिंग नहीं करते हैं, इसीलिए हम
ब्रेड में जो मिल्क शुगर लगा वो उनको अलग से काउंट नहीं करेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू में ऑब्वियसली उन सब जो भी इंटरमीडियरी गुड्स थे उन सब की वैल्यू एडेड होगी। तो ब्रेड के आप सिर्फ $3 दोगे जिसमें मिल्क शुगर वगैरह इंक्लूडेड होगा ऑलरेडी, इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस उनकी मॉनिटरी वैल्यू देखते हैं, ना कि इंटरमीडियरी की, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग यहाँ पे याद रख लेना, हो सकता है एग्जाम में ऐसा कोई एमसीक्यू बन जाए डबल काउंटिंग। आगे देखते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये क्या होगा, मार्केट वैल्यू में से जब आप टैक्सेस निकालोगे एंड सब्सिडीज प्लस करोगे तो वो आपको देगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दैट मींस आपको क्या करना है, जब आप फैक्टर कॉस्ट को प्लस करोगे टैक्सेस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते, फैक्टर कॉस्ट को प्लस करो टैक्सेस और माइनस करो सब्सिडीज, वो क्या आपको देगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट में मैंने आपको कहा था क्या याद रखना है, नेट में हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं क्योंकि ग्रॉस में हमारी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है। तो जब हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट, वो होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसीलिए सारे जो कॉन्सेप्ट हैं डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, से मैंने आपको पहले ही बताए थे। एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, सिंपल। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होगा, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज नथिंग बट योर प्लस ऑफ रेमिटेंस, दैट मीन जो आपको फॉरेन से इनकम आई, माइनस मनी गोइंग आउटसाइड। ठीक है, दैट इज योर एनएफआई, इसको भी बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। तो जब हमें नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना होगा तो डोमेस्टिक में से हम रेमिटेंस को ऐड कर लेंगे एंड जो पैसा बाहर जा रहा है उसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमने डोमेस्टिक में जो इंडिया में जो भी चीज हुई, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज है, वो हमने डोमेस्टिक में ऐड करी। लेकिन जब हम नेशनल देख रहे हैं तो जो पैसे एक इंडियन नेशनल सऊदी से इंडिया में भेज रहा है उसको आपको ऐड करना है, और एक फॉरेन नेशनल इंडिया से बाहर भेज रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, फिर आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट योर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस को जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं वो क्या आपका बन जाता है, नेट। इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, नेशनल इनकम, और ये फैक्टर कॉस्ट पे हम निकालते हैं क्योंकि अभी तक हम इसमें टैक्सेस वगैरह इसको उस जमेले से बाहर ही रखते हैं। फिर वो आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा जिसमें टैक्सेस वगैरह इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम, तो एनएनपी को हम क्या लिख सकते हैं, और जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एन एफ आई ए, दैट इज योर नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, क्योंकि ये नेट नेशनल है, डोमेस्टिक नहीं है, तो जीडीपी में डोमेस्टिक में से हमें एन एफ आई ए को एड करना होगा, दैट मीन्स रेमिटेंस को प्लस करना होगा, मनी फ्लोइंग आउटसाइड को माइनस करना होगा। एन एन पी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, ये मैं आपको अभी रिवाइज कराऊंगी क्विकली, फिर मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी, आई गेस हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई डोंट वांट कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है यहां तक। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैंने आपको क्या कहा था, हमने टू सेक्टर मॉडल लिया, बिटवीन दो ग्रुप्स पैसा कैसे फ्लो करता है, तो वो दो ग्रुप्स कौन से थे आपके, एक फर्म था एंड एक हाउस होल्ड था। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो ये सारी चीजें किसको देता है, फर्म को। फर्म क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को। ठीक है, वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदता है, हाउस होल्ड। एंड जो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आपने फर्म को दिया है, उनकी पेमेंट जो है वो कहाँ जाती है, हाउस होल्ड में। ठीक है, अब हाउस होल्ड के पास उन पेमेंट से क्या आ गया, मनी, एंड उस मनी से क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे फर्म से, दैट मीन स्पेंडिंग करके पैसा वापस कहाँ भेजा, फर्म में। सिंपल, लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड किया फर्म को, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए और पेमेंट्स दी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की जगह। उन पेमेंट से फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे फर्म्स ने, वो खरीदे हाउस होल्ड ने फर्म से, दैट मीन स्पेंडिंग कहाँ पे हुई, फर्म में। तो पैसा ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, गलत चीज हट गई थी, वेट, हाँ, तो ऐसे पैसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां से आ रहा है फैक्टर सर्विसेज, दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है, उसकी जगह पेमेंट हाउस होल्ड को कर रहे हैं। अब हाउस होल्ड के पास पैसा है तो वो हाउस होल्ड क्या करेगा, वो स्पेंडिंग करेगा फर्म से, क्या स्पेंड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के अपने पास लाएगा। ऐसे करके मनी फ्लो हो रही है। फिर मैंने कहा इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके इसमें और सेक्टर्स ऐड किए जाते हैं। फिर यही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फिर मार्केट प्राइस जिसमें हमने टैक्सेस एंड सब्सिडीज इंक्लूडेड होती है। फैक्टर कॉस्ट पे जब आप कोई चीज बोलते हो दैट मीन्स जिसमें टैक्स एंड सब्सिडीज इंक्लूडेड नहीं है, उसकी एग्जाम्पल। फिर मैंने आपको बोला जीडीपी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ ईयर,
डोमेस्टिक है, तो जो इंडिया की टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस हुआ, चाहे वो किसी अमेरिकन ने भी क्यों ना प्रोड्यूस किया हो, वो हमारे जीडीपी में आएगा, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूस क्या किया जाना चाहिए, फाइनल। दैट मींस अगर ब्रेड जो है फाइनली प्रोड्यूस हुई है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू आएगी जीडीपी में। लेकिन ब्रेड के लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स लगे हैं, जैसे मिल्क लगा होगा, शुगर लगा होगा, उसको हम एक्स्ट्रा से काउंट नहीं करेंगे जीडीपी में। वो क्या एरर आ जाएगा, डबल काउंटिंग का, क्योंकि वो मिल्क शुगर वगैरह ऑलरेडी ब्रेड की प्राइस में एम्बेडेड है। फिर हमने कहा नेशनल, ठीक है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है। दैट मींस जो इनकम बाहर से आ रही है इंडिया में उसको ऐड करोगे, जो इनकम बाहर जा रही है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सिंपल फॉर्मूला, मनी कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज योर रेमिटेंस, इसको बोला जाता है, एंड आउटगोइंग मनी टू अब्रॉड, उसको माइनस करोगे। फिर फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, तो क्या करोगे, मार्केट वैल्यू को माइनस करोगे टैक्सेस को, एंड प्लस करोगे सब्सिडीज को, ठीक है। क्योंकि मार्केट वैल्यू में टैक्सेस इंक्लूडेड होती हैं, जब उनको आप मार्केट वैल्यू से टैक्सेस को निकालोगे तो वो क्या बनेगा, फैक्टर कॉस्ट बनेगा। तो वही सारी चीजें। फिर नेट को डोमेस्टिक में आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, नेट को अगर ग्रॉस में आपको ये करना है ट्रांसफॉर्म, तो आपको ग्रॉस को माइनस डेप्रिसिएशन करना है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ग्रॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन को कैसे ऐड कर सकते हो ना, पहले चीज खरीदोगे, उसको यूज करोगे, वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, फिर उसको फाइनल वैल्यू से माइनस करोगे। तो जो डेप्रिसिएशन कैसे आप पहले ही ऐड करोगे बिना चीज को यूज किए हुए, तो इसीलिए इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट देखेंगे हम। तो जीडीपी को आपने क्या किया, यहाँ पे प्लस रेमिटेंस किया, माइनस जो भी पैसा बाहर आया, तो वो आपका क्या बन गया, ग्रॉस नेशनल, ठीक है। अब नेट नेशनल बनाने के लिए क्या करोगे, जीएनपी को आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, क्योंकि नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो दिस इज योर एनएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस एंड माइनस सब्सिडीज, ठीक है। एनएनपी एट मार्केट, जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, वही आपका नेशनल इनकम कंसिडर होता है, क्योंकि उसमें टैक्सेस वगैरह का झमेला अभी तक नहीं ऐड हुआ है, एंड फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन इसी को हम अपना नेशनल इनकम जो है मानते हैं। अभी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी को, के कैलकुलेशन के फर्दर क्या मेथड्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, एंड और भी जैसे जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह क्या होता है, एंड और भी कुछ टर्म्स इस चीज से एसोसिएटेड। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम इस वाले चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो टिल द टाइम अपलोड न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।